Hello everyone. In this video, we will solve 2010 JEE Advanced questions on our. आप इसको trigonometry का भी question बोल सकते हैं, calculus का भी question बोल सकते हैं क्योंकि questions क्या है देखो. Question ये है कि the maximum value of the expression 1 upon sin square theta plus 3 cos theta sin theta plus 5 cos square theta. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में हम जनरली मूव करेंगे और सोचेंगे कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस से बनेगा. डिफरेंशियल कैलकुलस से भी बनेगा लेकिन आप उसको बनाते वक्त बहुत टाइम लोगे और हो सकता है कि आप ना भी बना पाओ. और अगर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा. लेकिन इसमें भी कुछ रीअरेंजमेंट टेक्निक है, जो रीअरेंजमेंट टेक्निक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्पेशली, वो अगर पकड़ में आ गई तो आसानी से बन सकता है. तो देखो क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करेंगे. ठीक, तो यहाँ हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू. किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है? इस एक्सप्रेशन की. इसको तो मान लो जेड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. ठीक है, उसके बाद आपके पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमेटर में, ठीक है, इसको मान लो वाई. तो फाइनली आप क्या करो, ये ऐसा हो गया कि z इक्वल टू 1 अपॉन y. इसको मैक्सिमम होना है. अगर इसको मैक्सिमम होना है तो इस y को मिनिमम होना है. जब y मिनिमम होगा तभी z मैक्सिमम होगा. पहला ये कॉन्सेप्ट. तो अब y को मिनिमम देखते हैं. देखो y क्या है, y है आपका साइन स्क्वेयर थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वेयर थीटा. अब ये मिनिमम निकालना है. तो अब इसको मिनिमम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ही आ जाता है. तो क्या हम डिफरेंशिएशन से जाएंगे और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे? अब करके देखेंगे तो आप निकाल तो पाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है. तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन तो डेफिनेटली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस करते ही है. लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने में भी आपको थोड़ी सी समस्या आ जाएगी. मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में एक में ऐड किए तो यहाँ पे बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस 1 हो जाएगा. अब जो 3 साइन थीटा कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में नहीं आएंगे. मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस सकते हैं आप. तो इसका रीअरेंजमेंट टेक्निक अगर आपको पता है, और वो रीअरेंजमेंट टेक्निक क्या है कि दोनों साइड में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा. 10 कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया. इससे क्या हो जाएगा कि मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट है वो इजीली हो जाएगा. तो ये पता होना चाहिए, करते करते ही आता है. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमने एक साइन स्क्वायर थीटा रखा और एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से लेंगे, एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से लेंगे, बाकी सब एज इट इज. यहाँ हमने 9 कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया, करेक्ट. तो यहाँ से एक साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से एक कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1. और ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक के, अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में आ जाएगा. साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया. अब यहाँ से पता चला कि ये तो ये जो है स्क्वायर वाली क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी. और प्लस 1 है मतलब 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी. मतलब 2y की मिनिमम वैल्यू 1 आ गई, तो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ से y की मिनिमम वैल्यू 1/2 आ गई. मतलब y मिनिमम आप ऐसे बोल सकते हैं, y मिनिमम इज 1/2. हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका. अगर y मिनिमम 1/2 है तो z मैक्सिमम 1 अपॉन 1/2 मतलब 2 होगा, करेक्ट.